हेलो दोस्तों, मैं रवि सोनी आरकेएस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास सेवन्थ का चैप्टर एज, जो कि नया ऐड हुआ है। इसका नाम है अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। टू फ्रेंड्स शेयर देयर फीलिंग्स अबाउट ब्रेव सोल्जर्स। दो दोस्त आपस में ब्रेव सोल्जर्स यानी कि हमारे देश के वीर जवानों की जो उनकी बहादुरी है उनके ऊपर अपनी अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। वन ऑफ देम शेयर्स हर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग द नेशनल वॉर मेमोरियल दैट हैज़ लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन हर। उनमें से एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है नेशनल वॉर मेमोरियल पार्क जाने का। उसे मौका मिला और उसका उसके दिल के ऊपर बहुत ही गहरी छाप रही, जिसको वो लेटर के जरिए शेयर करती है। दे एक्सचेंज लेटर्स एंड शेयर देयर फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। वापस में लेटर शेयर करते हैं और उनका जो उनके मन में उनके प्रति जो प्यार सद्भावना होती है उसको शेयर करते हैं। फॉर द फ्रीडम दे एंजॉय बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइसेस मेड बाय द ब्रेव हार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो हमारी आज़ादी है ये कैसे आई? उनके उनके सेक्रीफाइस से। उन्होंने जो हमारे लिए बलिदान दिया उसके हमारे जो कंट्री है इसे हमारे कंट्री में जो बहुत ही बड़े बड़े वीर जवान हैं उनकी वजह से ये आज़ादी आई। The memorial symbolizes the patriotism of the Indian soldiers, which is this memorial. ये जो memorial है, ये symbolize है, ये प्रतीक है देशभक्ति का हमारे भारतीय सेना के लिए। It is which is this memorial? ये memorial क्या है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो वहाँ पे चैप्टर का नाम है A Home Soldier। सबसे पहले क्या लिखती है सोम्या? हाउस नंबर जयनगर बेंगलुरु, और इसकी लिखने की जो डेट है वो है 14 अप्रैल 2022। डियर आनंदा, होप यू आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ तुम अच्छी हो। डू यू रिमेंबर आर लास्ट कन्वर्सेशन अबाउट वॉर एंड पीस? क्या आपको याद है हमारी आखिरी बातचीत जो हमने युद्ध और शांति के ऊपर की थी? वी टॉक्ड अबाउट हाउ इंडिया हैड टू स्ट्रगल फॉर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। क्या जो है ना, जब हमने बात की थी कि भारत और भारत ने अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ही जो है ना सेंचुरीज का अर्थ होता है काफ़ी लंबा समय तक जो है ना अपनी आज़ादी के लिए फाइट किया, स्ट्रगल किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैज़ हैड टू फाइट सेवरल वॉर्स टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इट्स पीपल। पोस्ट इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है आज़ादी के बाद हमारी देश ने जो है ना बहुत सारी फाइट्स लड़ी अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होता है सेफ गार्डिंग नेशंस बॉर्डर्स, जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं उनको सेफ करने के लिए, और इसके पीपल यानी कि जहाँ रहने वाले जो है ना लोगों के लिए। दिस मेड मी वंडर, इसने मुझे चकित कर दिया, हु वर दीज ब्रेव इंडियन पीपल? ये जो बहादुर जो है ना लोग थे ये कौन थे इंडिया के? दे फॉट टू प्रोटेक्ट आर कंट्री एंड सेक्रीफाइड देयर लाइव्स सो दैट वी कुड लीड आर लाइफ इन पीस। ये लोग हमारी देश को बचाने के लिए लड़े और उन्होंने अपनी जो है ना अपनी अपनी जान न्यौछावर कर दी हमें बचाने के लिए, ताकि हम शांति से रह सकें। व्हाट वर देयर नेम्स, उनके नाम क्या थे? वेयर डिड दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आए? डज एनीवन रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देम, क्या किसी को उनके बारे में कुछ भी याद है? लास्ट वीक आई गॉट द आंसर्स टू सम ऑफ माई क्वेश्चंस During an educational trip to Delhi organized by our school, आखिरी सप्ताह लास्ट सप्ताह में मुझे इन सवालों के जवाब मिले जब मुझे educational tour यानी कि हमारे school की तरफ से Delhi जाने का मौका मिला। You may recall, I was looking forward to this trip and our visit to many places of historical and educational significance. आप ये भी कह सकते हैं कि मैं already इस तरह के ट्रिप को जानना चाहती थी जहाँ मेरी विजिट हो और जहाँ पर मैं ऐतिहासिक जो हमारे सिग्निफिकेंस होता है महत्वताएं और एजुकेशनल यानी कि हमारी एजुकेशन और हमारी हिस्टोरिकल क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसे मैं जान सकूं। आई लर्नड सेवरल न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर देम विद यू। मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर और अच्छी नई चीज़ें सीखी, इंटरेस्टिंग होता है जो जिसमें मेरी बहुत ज़्यादा रुचि थी, इस तरह की चीज़ें मुझे सीखने को मिली। एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर दैम विद यू, मतलब मैं ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हुए बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो रही हूँ। लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू टू गेस द नेम ऑफ द मैनुमेंट दैट आई फाउंड मोस्ट इंस्पायरिंग। शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप गेस कर पाएंगी कि मैं कहाँ गई जहाँ जाकर मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई?
लेट्स सी इफ यू कैन गैस, देखते हैं कि क्या आप इसको गैस कर पाओगे या फिर नहीं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मेन्यूमेंट स्टार्टेड इन अप्रैल 2018 एंड वॉज कम्प्लीटेड इन फेबररी 2019। कहते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन होता है जब इसका काम शुरू हुआ, जो इस मैन्यूमेंट का काम शुरू हुआ था अप्रैल 2018 में, और ये कब जाकर कंप्लीट हुआ, फरवरी 2019 में। इट वॉज इनविजन्ड एंड देन इनॉग्रेटेड बाय इंडियाज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन फरवरी 2019। इनविजन्ड का अर्थ होता है यहाँ पे विजुलाइज, कि कब जाकर वो हमारे सामने एक्चुअल में हमारे सामने जो है ना प्रेजेंट हुआ। एंड देन इनॉग्रेटेड होता है इसका उद्घाटन करना, उद्घाटन किया था हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड साइज इट इज़ सेपरेट ओवर 40 एकर्स ऑफ लैंड नियर द आइकॉनिक इंडिया गेट। अगर हम बात करें इसके साइज़ की, तो इसका साइज़ 40 एकड़ है, जो कि आइकॉनिक इंडिया गेट जो है हमारा उसके बिल्कुल टच की पास में है। बट मोर इम्पोर्टेंटली इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू सम ऑफ द ब्रेवेस्ट इंडियंस। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये ट्रिब्यूट है हमारे देश के ब्रेवेस्ट इंडियंस, यानी कि सबसे ज़्यादा बहादुर जो हमारे इंडियन सोल्जर हैं, ट्रिब्यूट यानी कि उनको श्रद्धांजलि देना। आई एम श्योर यू हैव गेस्ट, मुझे आशा है कि तुमने इसको जान लिया है मैं कौन से मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। इट्स नेशनल वॉर मेमोरियल, ये नेशनल वॉर मेमोरियल है। वॉन्ट यू से अ लॉन्ग डिज़ायर्ड एस्पिरेशन वॉज फुलफिल्ड। क्या तुम्हें ये पता है कि हमारी यहाँ जो है ना आशा थी दूर जाने की, यहाँ जाने की, वो हमारी पूरी हो चुकी है। आगे करते हैं। आर विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल बिगन विद आर टीचर एक्सप्लेनिंग दैट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ हैड टू फाइट मैनी वॉर्स टू प्रोटेक्ट इट्सेल्फ। हम आगे जाने के बाद जब हम विजिट किया नेशनल वॉर मेमोरियल पार्क जब शुरू हुआ, तो हमारे टीचर ने हमें एक्सप्लेन किया कि इंडिपेंडेंस के बाद भी, जो हमारी आज़ादी लेने के बाद भी, इंडिया को बहुत सारे युद्ध करने पड़े प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को। एंड द फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी वी इंजॉय टुडे इज़ बिकॉज ऑफ द मैनी ब्रेव मैन एंड वीमेन हु हैव सर्व्ड इन द इंडियन आर्म फोर्सेज ओवर डिकेड्स। डिकेड्स होता है 10 साल। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि इंडिया को आज़ादी लेने के बाद भी बहुत सारे वॉर करने पड़े, युद्ध करने पड़े। किस लिए? अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, या फिर जो आज हम जो है ना बिल्कुल खुले आम बिना किसी डर के घूम रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? हमारे देश के जो सैनिक हैं उन्होंने बहादुरी से हमारे जो बाउंड्रीज उनको संभाल रखा है, उस वजह से ही हम जो है ना प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं ओवर डिकेड्स, यानी कि कई सालों से। जैसे आज हमारी आज़ादी को लगभग 70 साल से ऊपर हो चुका है, तो डिकेड्स का अर्थ यही है, सेंचुरी नहीं कह सकते हम, सिर्फ डिकेड्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देन सैडली शी सेड वॉर ऑलवेज टेक्स इट्स टोल एंड देयरफॉर मैनी ब्रेव सोल्जर्स हैव हैड टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री इवन आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस इन 1947। दुखदाई से वो कहती है कि ये जो आज़ादी है ये बिल्कुल जो है ना आसान नहीं है। इट टेक्स टोल, यानी कि ये अपने आप कुछ हमसे लेती है। मैनी ब्रेव सोल्जर्स हैव हैड टू सेक्रीफाई, यानी कि बहुत सारे जो सोल्जर हैं उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी देश को आज़ाद करने के लिए। कब? 1947 के बाद भी। दिस इज़ वट मेक्स मोन्यूमेंट लाइक द नेशनल वॉर मेमोरियल एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। यही वो चीज़ है जो नेशनल वॉर मेमोरियल को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाती है। सो दैट वी शुड नेवर फॉरगेट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, ताकि हम जो हमारी आज़ादी है इसकी कॉस्ट को कभी ना भूलें। किस हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी थी आज़ादी की, ये हम कभी ना भूलें। तो ये हमें हमेशा याद करवाती रहती है। वी आर अवेयर ऑलवेज ऑफ़ द पेन एंड ऑरर ऑफ वॉर। हम हमेशा अवेयर रहें, जागरूक रहें हमारे उस जो है ना भयानक दर्द को और उस भयानक वॉर को, ताकि हम उसको हमेशा याद रखें। वी लर्न दैट ईच ब्रिक ऑफ द मेमोरियल इज कॉल्ड अ टैबलेट। हमें ये जानना होगा कि उस मैन्यूमेंट की हर एक ईंट जो है, ब्रिक का अर्थ होता है ईंट, इज कॉल्ड अ टैबलेट। हर एक ईंट उसमें एक टैबलेट की तरह मानी जाती है। एंड इट्स बियर द नेम्स ऑफ सोल्जर हु फॉट फॉर इंडिया, और इसके ऊपर उनका नाम लिखा जाता है जो इंडिया के लिए लड़िए,
जो लड़े थे एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस इन डिफरेंट वार्स फ्रॉम 1947 टिल डेट, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा सुप्रीम सेक्रीफाइस होता है बिल्कुल एंड, यानी कि अपनी जान की बाजी लगा देने को हम यहाँ पर सुप्रीम सेक्रीफाइस बोला गया है, और 1947 से आज तक अपनी जान की बाजी लगाकर इसको जो है ना हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट ऑफ 1962, द इंडो वॉर पाक वॉर इन 1965 एंड 71 एंड द कारगिल वॉर इन 1999। इन्होंने हमें बताया है कि जो जो उस आज़ादी के बाद युद्ध हुए हैं, चाइना के साथ 1962 में हुआ था, पाकिस्तान के साथ 65 और 71 में, प्लस में कारगिल का युद्ध हुआ था 99 में, तो तब से लेके आज तक आज़ादी की तो उन्होंने लड़ाई की, लेकिन आज़ादी के बाद भी उन्होंने इन कंट्री से लड़ने के बाद हमारे देश को प्रोटेक्ट किया, आज भी कर रहे हैं। देर आर 29,000 टैबलेट्स ऑन विच मोर देन 26,000 नेम्स ऑफ फॉलन सोल्जर्स हैव बीन इंटेस्ट। कहता है कि वहाँ पर कहाँ पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर 29,000 टैबलेट्स लगी हुई हैं जिन पर कि 26,000 नाम ऑलरेडी वहाँ पर लिखे जा चुके। इट वॉज हार्टनिंग टू नो दैट आवर गवर्नमेंट हैज़ रिकग्नाइज द सेक्रीफाइस ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स। ये बहुत अच्छा है कि हमारी गवर्नमेंट ने, सरकार ने, जो हमारे सैनिक थे उनके बलिदानों को पहचाना। आवर टीचर टोल्ड अस अबाउट द 21 ब्रेव हार्ट्स हु वर अवार्डेड द परमवीर चक्र। हमारे टीचर ने 21 ऐसे नाम बताए जिनको परमवीर चक्र दिया गया। इंडियाज हाइएस्ट वार टाइम जैलेंट्री मेडल, जो इंडिया का सबसे टॉप का जो लेजेंडरी मेडल है उसका नाम है परमवीर चक्र, फॉर देयर सर्विस टू द नेशन, जो उन्होंने नेशन के लिए सर्विस की। शी ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। हमारे टीचर ने हमें कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के बारे में भी बताया। शर्मा वॉज पोस्थमोसली अवार्डेड इंडियाज फर्स्ट परमवीर चक्र। पोस्थमस होता है डेथ के बाद जो हमें चक्र मिलता है उसे बोलते हैं पोस्थमोसली। इन द बैटल ऑफ बटगाम इन 1947 मेजर सोमनाथ जी को उनकी मृत्यु के बाद जो है ना परमवीर चक्र उनको दिया गया। लेटर सम मोर परमवीर चक्रस वर अवार्डेड फॉर एक्सेप्शनल गैलेंट्री ड्यूरिंग द इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 एंड द इंडियन पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान वार ऑफ 1965। परमवीर चक्र जो है वो उसके बाद भी दिए गए थे 1962 और 65 में, जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उनमें जो वीर सैनिकों ने अपने बलिदान दिए थे उनको भी परमवीर चक्र दिए गए थे। बिसाइड्स PVC यानी कि परमवीर चक्र वॉज ऑल्सो अवार्डेड फॉर सर्विस ड्यूरिंग द UN पीस कीपिंग ऑपरेशनल इन कॉन्गो। UN अर्थ होता है यहाँ पर यूनियन नेशन में जो शांति बनाए रखने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था कॉन्गो में, उनके ऊपर भी परमवीर चक्र काफ़ी हमारे सैनिकों को दिए गए थे। आगे पढ़ते हैं। इन द 1971 वॉर सम ऑफ द हीरोज हु वर अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्थमोसली यानी कि डेथ के बाद इंक्लूड्स लांस नायक अल्बर्ट इक्का। देखिए बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं लांस नायक अल्बर्ट इक्का, 1971 की लड़ाई के जो सबसे ज़्यादा हीरो रहे और उनको अवार्ड भी दिया गया था लांस नायक इक्का। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों, सेकेंड लेफ्टिनेंट अर्जुन खेतरपाल एंड मेजर होशियार सिंह, ये नाम थे जिनको जो है ना उनकी डेथ के बाद उनके परिवार को जो है ना परमवीर चक्र दिया गया था। सम नेवी पर्सनल इंक्लूडिंग कैप्टन महेंद्र नाथ मुला वर ऑल्सो अवार्डेड महावीर चक्र फॉर देयर एग्जाम्पलरी करेज एंड लीडरशिप। कैप्टन महेंद्र नाथ जी को भी महावीर चक्र दिया गया था उनकी बहुत ज़्यादा वीरता और उनकी लीडरशिप क्वालिटी के लिए। देन द टीचर शेयर्ड विद अस द सिटेशन ऑफ परमवीर चक्र अवार्डी लांस नायक अल्बर्ट इक्का। सिटेशन होता है बहुत ही ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा, यहाँ पर है मेरिटोरियस परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। लांस नायक अल्बर्ट इक्का के बारे में टीचर्स ने उनकी वीरता की जो है ना कुछ चीज़ें बताई। इट टच्ड माय हार्ट एंड आल्सो मोटिवेटेड मी, वी वर आस्टक एंड हम्बल्ड बाय हिज ब्रेवरी। जो उनकी परफॉर्मेंस थी लांस नायक अल्बर्ट इक्का की, उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया, तो इट टच्ड हार्ट कि इसने मेरे दिल को छू लिया और मुझे मोटिवेट किया। बाय हिज ब्रेवरी उनकी बहादुरी से, आई एस्पायर टू बी कर्जियस लाइक हिम व्हेन आई जॉइन द आर्मी, कि मैं इससे इंस्पायर हो गई और मेरे अंदर ये भाव आया कि मैं भी जब बड़ी होंगी तो मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी। आस्ट्रक्ट होता है यहाँ पर अमेजिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना, तो ये जो है इसकी सिटेशंस हैं ये हम पढ़ेंगे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। नेक्स्ट इज
As we continued our visit around the National War Memorial, we came across another important installation called Amar Jawan Jyoti that commemorates our soldier. जैसे हमने अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू किया, नेशनल वॉर मेमोरियल में हमने देखा कि एक ज्योति है जिसका नाम है अमर जवान ज्योति, जो commemorates का अर्थ होता है remember officially and give respects. यानी कि उनकी जो हमारे सोल्जर हैं उनकी ड्यूटी को ये इंडिकेट किया गया है कि वो हमेशा जलती रहती है, हमेशा अपने काम के लिए तत्पर रहती है. द नेम एज यू मे हैव गेस्ट, जैसा कि आपने नेम को गेस कर लिया, रिप्रेजेंट्स एन इमोर्टल फ्रेम दैट इज केप्ट अब्लेज ऑल थ्रू द डे एंड नाइट टू रिवर द सेक्रीफाइसेस ऑफ आ सोल्जर. जैसा कि आपने नेम गेस कर लिया है, एन इमोर्टल फ्लेम होता है जो कभी ना बुझने वाली फ्लेम है, दैट इज केप्ट ब्लेज ऑल थ्रू डे एंड नाइट, जो कि दिन रात जलती रहती है, जो हमारे देश के सैनिक हैं उनकी ड्यूटी को याद दिलाती रहती है हमें. अर्लियर द अमर जवान ज्योति विच ऑल्सो डिस्प्लेड अ राइफल एंड अ हेलमेट वॉज अलाइटेड अंडर द आर्च ऑफ इंडिया गेट इन जनवरी 1972 टू कमेमोरेट इंडियाज विक्ट्री इन द इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971. अमर जवान ज्योति के पास एक राइफल जिसके ऊपर एक हेलमेट टंगा है, उसका अर्थ ये है कि हमने इंडिया पाकिस्तान वार जो कि 1971 में हुआ था उसके ऊपर अपनी जीत दर्ज की थी. विक्ट्री का अर्थ है यहाँ पर जीत. द नेशनल वार मेमोरियल नाउ इंक्लूड्स अमर जवान ज्योति इन द ऑब्लिस्क का यहाँ पर टेम्परिंग स्टोन पिलर, अर्थ कि जो एक पिलर है इनके ऊपर, विच इज़ सराउंडेड बाय फोर चक्रस, इसके ऊपर चार चक्र जो है अराउंड इसके सराउंडिंग में रहते हैं, और इनका भी एक प्रतीक है जो आगे इस चैप्टर में बताया जाएगा. ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन द प्राइम मिनिस्टर लिट अ न्यू फ्लेम टू कमेमोरेट द फॉलन हीरोज. देश के प्रधानमंत्री इनकी हमेशा अर्ज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और फ्लेम को कमेमोरेट करते हैं हमारे देश के सैनिकों को. लेटर द ओल्ड फ्लेम एट इंडिया गेट वॉज ऑल्सो मर्ज्ड विद दी न्यू फ्लेम एट दी नेशनल वार मेमोरियल. जो पहले की इससे पहले इंडिया गेट पर जो फ्लेम थी उसको मर्ज इनके आपस में जोड़ दिया गया है नेशनल वार मेमोरियल के साथ ही. हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ द न्यू अमर जवान ज्योति इफ़ यू हैव नॉट सीन इट. यहाँ पर एक पिक्चर भी दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो यू कैन सी द ऑब्लिस्क सराउंडेड बाई रिस्ट दैट हैव बीन प्लेस्ड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. ये हमारे चैप्टर में ये दी हुई है, ये वाली मार्क आप इसको देख सकते हैं, जो प्रतीक है जो हमारे देश के वीर जवानों ने जो सेक्रीफाइस दिए. द लाइटिंग डिज़ाइन इज प्लान्ड इन सच अ वे दैट इट ट्रांसफॉर्म द मैनूमेंट्स लैंडस्केप एज सनलाइट चेंजेस फ्रॉम डॉन टू डस्क. जो लाइटिंग डिज़ाइन इसके अकॉर्डिंग प्लान किया गया है कि इसमें सुबह से लेकर शाम तक फुल रोशनी रहती है. सनलाइट चेंजेस फ्रॉम डॉन टू डस्क, जो सनलाइट है वो भी इसके इस अकॉर्डिंग डलती है कि बिल्कुल इसका जो चेहरा है वो जगमगाता रहता है, कभी भी इसके ऊपर अंधेरा नहीं छाता. इट रियली अ मेजेस्टिक साइट दैट फील्ड मी विद प्राइड फॉर आर नेशन. ये एक ऐसा नज़ारा था जिसने मुझे गर्व से भर दिया मेरे देश के प्रति. इट वा आई वॉज ऑल्सो ओवरवेलम्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश थी, बाई द इंटरमिनेबल फ्लेम एज अ मेटाफर फॉर इंटरनल स्टोरीज ऑफ कॉरेज एंड वेलर. मैं बहुत ज़्यादा खुशी से भर गई थी. एंड फ्लेम एज अ मेटाफर होता है किसी के साथ बताना, किसी के साथ कंपेयर करके हमें बताना या उस चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाना, उसको हम वहाँ पर मेटाफर एक जो है ना टर्म यूज़ करते हैं. फॉर इंटरनल स्टोरीज ऑफ कॉरेज एंड वेलर, यानी कि वीरता की उनकी जो कहानियाँ सुनकर, जैसे कि एल्बर्ट इक्का का हम यहाँ पर जिक्र किया, तो उनकी बहादुरी का किस्सा सुनकर बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई थी. तो दोस्तों ये हमारी होमेस्ट और प्रिय सोल्जर का पार्ट 1 था. नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप इसका पार्ट 2 को देखें. थैंक यू.